किसी बिल्कुल एक्टिंग नहीं हो रही है, कैमरा हाथ में ले लिया है। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। तो गाइस कैमरा इज ऑल सेट, तो अब आप लोग देखेंगे सोना जी के ड्रामे। मारा मुझे गाइस यहां पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी जितनी अच्छी तुम हो उतनी तरह सब अच्छे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एक जंगल में हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो गाइज ये कोई जंगल वंगल नहीं है, ये रहा मेन रोड पीछे, जहाँ की बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, आप देख सकते हो बैक साइड में। और हम लोग आए हैं रील शूट करने के लिए। और हमें ये लोग टाइम बाद सोना जी की रील शूट करने है, मैंने सोचा थोड़ा प्रोफेशनल बनो, इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रील्स डालो ताकि लोग तुम्हें और पसंद करे, हमारे को मतलब लोग जाने कि हाँ यार सोना जी जैसी भी कोई लड़की है दुनिया में। नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, तो वो भी बहुत जल्दी मुझे जान लेंगे। और यहाँ का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत अच्छा लगा। आम के बहुत सारे पेड़ है लेकिन आम नहीं है, सभी खा गए हैं। मैंने सोचा था आम भी होंगे तो चलो मैं आम वाम भी तोड़ लूंगी, बट मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं है। तो हवा बहुत अच्छी चल रही है लेकिन मौसम बहुत गंदा हो रहा है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। बारिश गिर गई पर फिर भी गर्मी लग रही है, उमस टाइप। कब गिरी थी? 2 से 3 दिन पहले, उसके बाद नहीं गिरी। बहुत ज्यादा गर्मी, आप लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं? प्लीज ये जरूर है कि रील अच्छी शूट हो जाएगी, मजा आ जाएगा। कमेंट में बताना आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। कर लेता हूँ। और जो जो सोना जी के यूट्यूब चैनल पर है वो लोग फटाफट इनको इंस्टाग्राम पे जाए और फॉलो करे। सोना जी की आईडी है सोना 555279_ कुछ भी बोलता है लड़का, कुछ भी बोलता है लड़का। मैं बताती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sona_279। और गाइज एक बात और बताऊँ, आप अगर ब्लॉगिंग नहीं करोगे ना कंटिन्यू, तो आपको सही से ब्लॉगिंग करना भी नहीं आएगा। और इस लड़के का यही हाल है, इस लड़के को सही से ब्लॉगिंग करना नहीं आती है। नहीं आती ना तुमको? और यही सच है, यही सच है। ये लड़का बहुत बड़ा झूठा है, पता है? ये मुझसे 10 बार प्रॉमिस कर चुका है कि मैं बनाऊंगा, आप अच्छे कंटिन्यू रहूंगा मेरे चैनल पर, मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये नहीं बनाते हैं। और आप देखो गाइस, हमारे पास यही वाली गाड़ी है, हमारी साथी है, हम इसी गाड़ी पे सभी जगह घूम लेते हैं और हमारा सामान भी ऐसे में इस स्कूटी से मैं और मेरा भाई कहाँ गए थे यार, रतलाम से हम लोग गए थे पुष्कर, होली पुष्कर खेल होली खेलने गए थे पुष्कर जी। हाँ क्या आनंद। और किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि ये लोग वहाँ तक गाड़ी से चले गए। इवन मैंने सबको बताया तो सब मुझे बोलते हैं कि नहीं तू झूठ बोल रही, पर सच में भी गाइस ये लोग इसी गाड़ी से गए थे। और देखिए इसी गाड़ी पे हम लोग हमारा कैमरा भी रख लेते हैं, हम लोग हमारा कैमरा हम इससे शूट करके देखेंगे। और आज हम पहली बार कैमरे से शूट कर रहे हैं और ये भी किसी से मांग कर लाए, हमारे पास कैमरा नहीं है। अगर कैमरा होता तो मैं कब से ही फेमस हो जाती, क्योंकि लोगों को यहाँ पे कैमरा क्वालिटी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सेकंड हैंड फोन है, वो भी ऐसा वाला गंदा वाला। ये भी मुझे सेकंड हैंड लिया था मैंने, पता है, जब मेरे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी और अभी भी इसी से काम चलाती हूँ मैं। तो गाइस यार सपोर्ट करिए, जल्दी से कुछ अच्छा करिए, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। आप लोग अगर चाहोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम उसका थोड़ा तामझाम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे और आपको क्या बोलते हैं, कैमरा रेडी है, हमारी रील्स शूट करने के लिए इन्फ्लुएंसर भी रेडी है। गाइस बहुत मतलब बहुत मेहनत, पहले तो ये माथापच्ची होगी कि किस पे कौन सी रील बनानी है, गाना ही डिसाइड नहीं है, गाना ही डिसाइड नहीं है, बस यूं ड्रामेबाजी करती है, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, होता कुछ नहीं है। तो चलिए गाइस हम अपना गाना सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कौन सा क्या होगा, अच्छा होगा कहाँ पे अच्छा आएगा, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉग में कंटिन्यू दिखेंगे। थोड़ा सा रील पे फोकस कर लेते हैं, किसे बिल्कुल एक्टिंग नहीं हो रही है, कैमरा हाथ में ले लिया है, फोन हाथ में ले लिया है, एक डायलॉग बोलने में मतलब ये नहीं करते 20 मिनट लगा दिया। ये देखो कैसा लग रहा है सोना जी। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, मतलब एक डायलॉग में इतना टाइम लगा दिया यार, अधूरी है मतलब। तो गाइस मैं बताता हूँ, आप इनके ड्रामे देखो, मैं लगाता हूँ व्लॉग का शूट पे, देखते हैं कि ये कैसे मतलब कैसे ड्रामे कर रही, कितनी बार में एक टेक लेती है। ये देखो तो फटाफट मैं इसको लगाता हूँ, सेट करता हूँ कैमरे को, ठीक है गाइस। सो गाइस कैमरा इज ऑल सेट, तो आप लोग देखेंगे सोना जी के ड्रामे। तो हम सोना जी के ड्रामे दिखाने वाले आपको, एक रील शूट कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग भी देखिएगा सोना जी कितने अच्छे तरीके से ड्रामे करती है उस रील में, बहुत मजा आएगा बहुत। लाओ सोना जी कैमरा दो। गाइस ये लड़का बहुत ही खराब है। लाओ ये फोन मेरा है, इसका मैं लॉक खोल देता हूँ। अरे स्टार्ट में आने के लिए कुछ करो, ऐसे भाड़ में जाए, ऐसा कुछ रिएक्शन अच्छा होना चाहिए,
मतलब ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना चूहे या बिल्ली का घूमत उठा लेना। हाँ हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कमर करे स्टार्ट। अभी तक 20 बार सुन चुकी है बट स्टिल अभी बोल रहे हैं मुझे कि एक बार में सुन लूं। अरे यार यार लड़की है, इतनी देर में छोटे बच्चे को पाल याद हो जाता। चलो स्टार्ट। इतनी मेहनत करने के बाद देखा आपने, अभी भी ठीक से मतलब अच्छा अटैक नहीं दिया है, बट देखते क्या होता है। इसको ना इसको पाल पकड़ के घुमा के सब बंद करना। गेंदी घूमी तंदू, एक रील शूट नहीं हो रही है अभी। मेरे को गाने वाली रील शूट करने में परेशान कर दिया था, एंड अभी ये जरा सी छोटी सी रील है ये भी शूट नहीं कर पा रही। यार क्या होगा इस लड़की का, क्या होगा तुम्हारा। मारा मुझे गाइस यहाँ पे सबके सामने मारा, मेरे बाल कीचे इस लड़के ने, ये लड़का बहुत ही बुरा है। तो यार कितना परेशान करोगे, मेरा टाइम निकाल के मेरी शॉप छोड़ के मैं यहाँ रील शूट करने आया हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। तो ये देखो एक नाराज बच्चा मोटा भोंदू सा बैठा हुआ है। चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते, ये लास्ट है ना, इसके बाद नहीं लूंगा मैं। बहुत देर बाद अच्छा टाइम दिया है, तुम्हारे से ज्यादा पाँव मेरे दुख रहे हैं। कौन से कैमरामैन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेचारे को। बाप रे बाप, मेरे पाँव दुखा दिए, मेरा दिमाग दुखा दिया, चश्मा अलग उतारना पड़ रहा है। तो फाइनली इस भोंदू से तब जाके दो रील्स बनी है अभी तक, क्योंकि अच्छी रील्स बनी है दोनों। अब उसको एडिटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डाल पाएंगे हम। बंद तो कर लो उसको। तो अब हम नेक्स्ट जगह पे जा, अब हम सेव कर ली, तो अब हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम और रील शूट करेंगे। तो आप लोग चलते हैं वहाँ पर, वो जहाँ से सोना जी की जर्नी स्टार्ट हुई है उस जगह पर खींच देते। चलो फोटो भी खींच देते इनके बुरी गत के। हाँ बुरी गत की आलसी डोर मोटी, बहुत आलसी है। करवा दें लोकेशन, लोकेशन बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक से। दो मिनट देखो गाइस ये है लोकेशन, वाओ लुक एट द लोकेशन। इन लोकेशन पे ये मोटू आपकी सोना जी वे टू लाइफ विद सोना वाली का बहुत प्यारी जगह, अच्छा लग रहा है हम लोग यहाँ पे आए थे। आहा बारिश का मौसम और ये मोटी। सो सोना जी कैसा लग रहा है आपको, करा तो कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बुरी तो तुम हो ही सही। ये लड़का मारता है, कहाँ मारा मैंने तुम्हें, चिल्लाना पड़ता है सही से टेक्निक करोगे तो नहीं। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, अब गाना नहीं समझ में आ रहा उसको, अब थोड़ा सा उस गाने पे रिहर्सल करना पड़ता है, शक्ल तो देखो इनकी, उसके बाद में शूट होता है। अच्छा एक बार रो के दिखा दो बच्चे जैसे, मारो मेरे बाल में खींची इस लड़की ने फिर मारा मुझे। चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जगह। तो गाइस अब हम दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं और मेरा चश्मा कहाँ पे है, मुझे चश्मे की सख्त जरूरत है। और इस लड़के ने मुझे बहुत हंसाया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने, और बहुत दिनों के बाद ऐसे शूट करने आए हैं कहीं पर, क्या पता इनका मन हो गया था इसलिए आ गए, नहीं तो ये कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि चलो आज शूट करने चलते। आज तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो शूट करने चलते, लेकिन ये लेके नहीं आते। आज आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बिल्कुल कैमरामैन बन चुके हैं, और अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही बस काम करते रहो, मेरा साथ देते रहो। पेमेंट टाइम पे दे देना मैम। नहीं पेमेंट नहीं करते हम, पेमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल काम नहीं करते मैम। पेमेंट भैया अभी इतना पेमेंट नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दे दूं, बट हाँ जिस दिन मेरे अच्छे खासे अर्न करने लगे उस दिन आपको जरूर देंगे, उस दिन एक साथ आपका हिसाब कर देंगे। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल है ना, मोटी रकम मिलेगी, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। नहीं यार देंगे ना यार, मेहनत कर रहा है बंदा तो देंगे। और मौसम काफी अच्छा हो गया, थोड़ी सी धूप कम हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से दूसरी लोकेशन पे चलते, वहाँ जाकर शूट करते, वहाँ जाकर सोना जी की टाइम पास और बकवास और थोड़ा और टाइम वेस्ट मेरा होगा, वो सब देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं।